17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए इस सप्ताह का राशिफल शुरू करते हैं। तो मेष यानी एरिस राशि, भाई ये सप्ताह जो है ना आपके लिए बड़ा ऊर्जा से भरपूर रह सकता है। ये सप्ताह आपके लिए बड़े बदलावों से भरपूर रह सकता है। वो किस तरह से? पहली बात तो कि आपकी जो राशि है इसमें सूर्य ग्रहण लगने वाला है, और दूसरी बात यह है कि आपकी राशि में बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी इसी सप्ताह में होने वाला है। तो ये जो सप्ताह है ना इसमें आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, इसमें आपके अंदर क्रिएटिविटी जो है ये बहुत हद तक इन्वॉल्व हो सकती है। इस सारी एनर्जी की यूटिलाइजेशन हो सके, इसका उपयोग हो सके, सारा खेल इस बात का है। तो इस सप्ताह में जितना प्रोडक्टिव रहेंगे उतना आने वाले समय में आपको आसानी रहेगी, और इस सप्ताह को जितना आप वेस्ट एक्टिविटीज में गुजार देंगे आने वाला समय उतना ही आपके लिए सख्त रह सकता है। तो इस सप्ताह में आपने केवल थोड़ी सी चाय पत्ती लेनी है और किसी भी धर्म स्थान पे संडे या मंडे वाले दिन अर्पण करके आनी है। बस इतना ही उपाय है जिससे सारा सप्ताह आपके लिए ऊर्जाएं आपकी फेवर में रहेंगी। वृष यानी टॉरस, भाई आपके लिए खर्चों का सप्ताह है, आपके लिए चीजों में लगातार एक्सपेंडिचर होने का सप्ताह है। एकदम से आपको क्रंच सा फील होगा, आपको लगेगा कि पैसे का अरेंजमेंट कहां से करें। खाली यही नहीं, इसमें टेंशन की वजह से आपकी जो वाणी है उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कटुता आ सकती है। इस सप्ताह में सबसे जरूरी चीज जो आपके लिए है ना वो है कि आपको अपने पिताजी के साथ संबंध जो है बहुत अच्छे बना के रखने हैं, या आपके घर में जो भी एल्डरली मेंबर हैं चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, आपको उनकी सुननी है, उनकी माननी भी है। ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सलाह है इस सप्ताह के लिए। तुलसी पूजा करनी है, मंडे वाले दिन आप तुलसी को जल चढ़ाइए, तुलसी के नीचे शाम के समय एक घी का दिया जला दीजिए। ये है इस सप्ताह का आपका उपाय जो सारी अच्छी ऊर्जाओं को आपके साथ जोड़ के रखेगा। मिथुन यानी जेमिनाई, भाई सबसे पहली ये बात है कि इस सप्ताह में आपकी इनकम में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, इस सप्ताह में आपके काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है, एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी काम करने के लिए, लेकिन ये एनर्जी जो है कम से कम टेंशन में वेस्ट ना हो, इसकी फिक्र आपको करनी है। क्योंकि कुदरत अगर आपको ऊर्जा देती है ना तो उसका पर्पस होता है कि आप बिगड़े हुए काम बनाएं, रुके हुए कामों को चलाएं, और अगर आप उस ऊर्जा को अपने डोपामिन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए यूज़ करेंगे तो ये कुदरत के प्रति आपका अन्याय है। इस सप्ताह में हनुमान जी की पूजा करिए, मंगलवार वाले दिन सिंदूर और चमेली का तेल हनुमान जी को अर्पण करके आइए। खाली इस सप्ताह के लिए नहीं, आने वाले कितने ही समय के लिए ये उपाय आपके लिए जबरदस्त फैंटास्टिक सुपर हिट रहने वाला है। कर्क यानी कैंसर, भाई काम कारोबार में कुछ रोल चेंज होने वाला है। अगर आप अपने काम कारोबार में हैं तो उसमें भी कुछ बदलाव दिख रहे हैं। आपको ग्राहक की कमी फील हो सकती है, कैश का क्रंच भी फील हो सकता है, आपको ये भी लग सकता है कि इस समय में लोग भी आपके बैरी हो रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि कुदरत की सारी अच्छी ऊर्जाएं आपके साथ हैं। जहां जहां लोग आपसे जलने वाले होंगे वहां वहां आपको कुदरत का साथ मिलेगा, कोई भी विरोधी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकेगा। उपाय के तौर पर पूरा सप्ताह एक सौंफ का जार अपने बेडसाइड पे रखिए, खाते भी रहिए उसमें से, बस ये उपाय जो है ना आपको तमाम बुरी दिक्कतों से प्रोटेक्शन दिलाएगा। लियो यानी सिंह, भाई सबसे पहली बात यह है कि इस समय में आपके घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, आप छुट्टियों के लिए या किसी वेकेशन के लिए प्लान कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है, इस समय में आपके विदेशी संबंध जो हैं वो बन सकते हैं, या आप फॉरेन जा सकते हैं या फॉरेन की धरती से विदेश की धरती से आपको कोई फंड्स या पैसा आने का कुछ ना कुछ योग बन सकता है। जो सिंह राशि वाले स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए सबसे स्पेशल समय है, अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो उनके विदेश जाने का रास्ता सुगम होगा। और सिंह राशि वाले जो लोग अपने काम कारोबार में हैं उनको बस अपने काम में जो बदलाव है ना उनके प्रति अडैप्टिव होना होगा, तभी यह सप्ताह जो है उनके लिए अच्छा बन पाएगा। उपाय के तौर पे थोड़ा सा गुड़ रविवार वाले दिन शिव मंदिर में दीजिए, सारे बिगड़े काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। कन्या यानी वर्गो, भाई आप लोग जितना लोगों के लिए हेल्पफुल रहते हैं ना इस सप्ताह में आपको लोगों से उतना रिवर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इससे निराश मत होइएगा, ग्रह ही कुछ ऐसे चल रहे हैं। आपको अपने डोमेस्टिक फ्रंट पे क्वालिटी समय देना है, आपको लगातार जो है ना लोगों से संबंध अच्छे बना के रखने हैं, आपको बदले में उसके कुछ मिले ना मिले आपको परवाह नहीं है, आपको केवल और केवल अपना काम जो है वो करते जाना है। उपाय के तौर पे श्री हरि विष्णु मंदिर जाइए और वहां पे पीला फूलों का हार जो है ये मंडे वाले दिन अर्पण करके आइए, यकीन मानिए सारा सप्ताह आपकी फेवर में रहेगा। लिब्रा यानी तुला, भाई सबसे पहली बात आपको एक याद रखनी है कि ये जो सप्ताह है ना ये आपके लिए जीवन साथी से थोड़ी बहुत अनबन का सप्ताह है।
हालांकि ये बहुत बड़े लेवल पे नहीं होगी, लेकिन बिना बात के किसी बात पे आर्गुमेंट हो जाना और फिर उस आर्गुमेंट का बढ़ जाना। और दूसरी चीज ये है कि इस सप्ताह में आपका काम कारोबार करने की जो ऊर्जा है ना, ये अपनी पीक पे होगी। तो जितनी काम कारोबार की ऊर्जा है ना, उसको काम में लगाइए, उसको आर्गुमेंट में मत लगाइए, तभी ये जो सप्ताह है ना आपके लिए जबरदस्त और अच्छा साबित हो सकता है। उपाय के तौर पे आपने क्या करना है, 7 सूखे नारियल लीजिए और इनको किसी भी चलते हुए पानी में विसर्जित करिए। संडे या मंडे वाले दिन नहीं पॉसिबल है तो किसी मंदिर में रखाइए, आपके लिए ये जो सप्ताह है बहुत ही अच्छा रहेगा। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो भाई, सबसे पहली बात यह है कि जो आपकी अब गाड़ी धीरे धीरे बढ़िया चलनी शुरू हो गई है ना, आपकी गुस्सा करने की आदत, पुरानी चीज़ों को ना भूलने की आदत, उसमें ब्रेक लगा सकती है। तो आपको पहले तो अपने अंदर लेट गो बढ़ानी है, दूसरा पुरानी बातों को भूल के बहुत ही ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। आपका चतुर्थ स्थान शनि का ढैया चल रहा है, जो बीच बीच में आपको निराशावादी बनाता है, थोड़ा स्लो कर देता है, एकदम से ब्लॉक कर देता है। ब्लॉकेज को अपने सेल्फ डिसिप्लिन से हटाइए और फिर देखिएगा कि किस तरह से कुदरत आपके साथ आना चाह रही है। भगवान हनुमान जी की आराधना यानी हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ आपको पूरा सप्ताह करते रहना है। ये है इस सप्ताह का आपका उपाय, और इससे आपको क्या मिलेगा, वो ऊर्जा जो दरअसल आपको जीवन में खुश रहने के लिए आगे बढ़ने के लिए चाहिए। सजिटेरियस यानी धनु भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि इस सप्ताह में ना गुप्त पीड़ाएं, किस तरह की वो पीड़ा जिसका कारण ही समझ ना आए, वो पीड़ा जो केवल आप फील कर सकते हैं, किसी को बता नहीं सकते हैं, वो दर्द, वो पीड़ा, वो लाइफ का पेन एरिया जिससे आप एंग्जाइटी में जा सकते हो, ये इस सप्ताह में आ सकता है। तो इसका हल क्या है, इसका हल है कि एक तो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, दूसरा अपने आप को काम में जम के व्यस्त कर लीजिए, और तीसरा ओवर थिंकिंग तो मत ही करिए। एक बात बताइए, लगातार सोचने से क्या किसी को कुछ मिला है? प्लान करने से मिलता है, लेकिन खाली चर्निंग करने से, सोचने से किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो सोचना मना है और काम करना जो है केवल एकमात्र सोल्यूशन है इस सप्ताह के लिए। आप किसी भी वट वृक्ष को, बरगद के पेड़ को मीठा दूध चढ़ाइए मंडे वाले दिन। यह है इस सप्ताह का आपका उपाय जो तमाम ओवरथिंकिंग वाली दिक्कतों से आपको मुक्ति दिलाए। कैप्रिकॉन यानी मकर भाई, सबसे पहली बात यह है कि गुप्त शत्रु, छिपे हुए शत्रु, जलने वाले लोग, कंपिटिटर्स इस सप्ताह में आपको कर सकते हैं परेशान। और दूसरी बात इस सप्ताह में यह है कि आप भी बहुत ज्यादा हद तक उनको अपने ऊपर हावी करके अपना कर सकते हो नुकसान। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लोगों को इग्नोर करेंगे। आपके कंपिटिटर्स आपसे बेहतर कर रहे हैं, इग्नोर करिए। आपके गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए अपने पहले तो फंडामेंटल्स सही रखिए। आप जो कर रहे हैं, आप खुद के प्रति पहले जवाबदेह हैं, चीजों को सही करते रहिए, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। आपको नुकसान केवल तभी होगा जब आप उनकी बातों पे रिएक्ट करेंगे, केवल और केवल तभी आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। उपाय के तौर पे एक सरल उपाय, और ये उपाय जुड़ा हुआ है भगवान शिव के मंदिर के साथ। आपने क्या करना है, एक कॉपर के लोटे में गेहूं भरिए, ऊपर गुड़ रखिए, और संडे या मंडे वाले दिन भगवान शिव के मंदिर में रख के आ जाइए। इसका साइज वजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये उपाय आप जरूर करिए ताकि कोई भी इंसान, कोई भी शत्रु, कोई भी आपसे जलने वाला आपको नुकसान ना पहुंचा सके। कुंभ यानी क्वेरियस भाई, समय तो अच्छा चल रहा है, लेकिन आपको अपने सामाजिक सर्कल में संबंध अच्छे बना के रखने पड़ेंगे। आप काम में बिजी होने की वजह से बहुत सारे लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है कि जब आपको लोगों की जरूरत होगी ना, कोई आपके काम नहीं आएगा। तो ये सप्ताह डेडिकेटेड रखिए पुराने खोए हुए संबंधों को बहाल करने का। ज़्यादा सोशल हो जाइए, ज़्यादा पब्लिक हो जाइए, अपने आप ही सारी की सारी अच्छी ऊर्जाएं आपके साथ जुड़ती चली जाएंगी। इस सप्ताह में आपको एक बड़ा विशेष उपाय दे रहा हूं, और यह उपाय है बिल्व पत्र लीजिए या धतूरे का जो फल होता है वो लीजिए, और मंडे वाले दिन भगवान शिव को अर्पण करके आइए। और इसके साथ साथ आपने कच्चे दूध में थोड़े से साबुत चावल डाल के भी शिवलिंग पर अर्पण करने हैं। ये जो उपाय है ना, ये इस सप्ताह में आपकी तमाम बुरी ताकतों से रक्षा करेगा और आपको जीवन में नेटवर्किंग और तरक्की दोनों की तरफ लेके जाएगा। मीन यानी पाइसेस भाई, सबसे पहली बात यह है कि आपके बर्थ चार्ट में आपका जो कुटुंब का धन का स्थान है ना, वहां पे सूर्य ग्रहण लग रहा है, और ये जो चीज है, पहली बात तो यह है कि धन का नुकसान करवा सकती है। और इस सप्ताह में आपके लिए सबसे चिंतित करने वाली बात यह है, कुटुंब में, परिवार में किसी सदस्य की वजह से आपको टेंशन हो सकती है। तो इसका क्या हल किया जाए, इसका सबसे पहला हल तो यह है
कि आप भगवान हनुमान जी की उपासना यानी हनुमान चालीसा रोज पढ़िए, और दूसरा चंद्र का दान करिए। चंद्र का दान होता है चावल या दूध, ये किसी जरूरतमंद को दे के आइए। किसी एक दिन आप संडे मंडे ट्यूसडे किसी एक दिन कर सकते हैं, लेकिन इसको कर दीजिए, इसकी क्वांटिटी का भी कोई मैटर नहीं है। बस अगर आप ये कर देंगे ना, यकीन मानिए दिक्कत तो बड़ी दूर की बात रह गई, आपको उल्टे परिवार या धन के मामले में कोई ना कोई गुड न्यूज मिलेगी। तो दोस्तों ये था इस सप्ताह का राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे फायदा लेके आप अपने आने वाले समय को बहुत ही अच्छा बना पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।